टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या बनने वाला है। देखिए पहले इसकी सॉफ्टनेस देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है ये, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा और सेम वही टेस्ट आएगा। आप देख के समझ गए होंगे कि अगर आपके घर में बेसन नहीं है तो आप इसको फिर भी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, वही टेस्ट आएगा, वही सॉफ्टनेस होगी। देखिए इसकी लुक देखिए आप, है ना बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और उसकी नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए मैंने एक वेइंग स्केल लिया है, अब आपको मैं सही मेजरमेंट करके दिखाऊंगा ताकि आपका भी बढ़िया से बनकर तैयार हो ढोकला। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ चने की दाल 250 ग्राम। अब आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको 250 ग्राम की रेसिपी दे रहा हूँ। अब इसको लेने के बाद हमें इसको 2 से 3 दफ़ा धो लेना है अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर जो भी पॉलिश वगैरह होती है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। इसको धोने के बाद अच्छी तरीके से दोबारा पानी डाल के इसको भिगो के रखेंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए, वरना कम से कम 2 घंटे के लिए तो आपको भिगो के रखना है ताकि अच्छे से फूल जाए। जब तक फूल रही है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिए 100 ग्राम दही और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 150 ml पानी। बेसिकली हमें इसकी छाछ बनानी है, इसको अच्छे से फेंटेंगे, कोई इसके अंदर लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए जैसे छाछ होती है ना, उसी तरीके से हमें इसको फेंट के तैयार करना है। बस ये हमारी तैयार है, अब इसको एक साइड कर देते हैं, अब आगे चलते हैं दूसरी तैयारी करते हैं। देखिए चने की दाल हमारी तैयार है, अब इसको हमें ग्राइंड करना है। जो हमने छाछ बनाई है उसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अभी एक बोल लिया है मैंने, इसके अंदर मैं डाला हूँ 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक। और ये जाएगा सिट्रिक एसिड, ये बिल्कुल नमक के जैसा लगता है लेकिन ये सिट्रिक एसिड है, ये ढोकले के अंदर ज़रूर डलता है, ये फर्मेंटेशन के लिए होता है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, बहुत ही अच्छा कलर आएगा तो इसको ज़रूर डालिएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 चुटकी हींग, हींग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है, कोई फ्लेवर ऑयल मत डालिएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी, अब इसको हमें जो है अच्छे से मिक्स करना है, चीनी और जो सिट्रिक एसिड है वो अच्छे से घुलाना है हमें, अच्छे से जो है डिसॉल्व होना चाहिए क्योंकि अगर वो आएगा तो उससे जो है अच्छा नहीं बनेगा ढोकला बिल्कुल भी, और अच्छे से मिक्स करिएगा। देखिए हमारा जो हमने पानी बनाया है इसका तैयार है, अब इसको एक साइड करते हैं और चलते हैं अपनी दाल की तरफ कि दाल जो हमने पीसी है अभी। देखिए दाल का जो हमारा बैटर ये तैयार हुआ है, इसके अंदर हल्की हल्की फर्मेंटेशन हो रही है। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये पानी जो हमने रेडी करा है, अब इसको हमें बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। देखिए विस्क करना है इसको अच्छे से, क्योंकि जो हमने इसके अंदर हल्दी डाली है वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। देखिए इसका जो है अभी कलर सफ़ेद सफ़ेद है ना, अब इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा, अब इसका देखिए येलोइश पे आ गया है, बस इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, आप इसके अंदर इनो भी डाल सकते हैं लेकिन मैं बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो। अब बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए फूलना शुरू हो गया है हमारा ये बैटर, अच्छे से फूलेगा। और हमें बेकिंग सोडा मिक्स करना है अच्छे से क्योंकि अगर आप जब इसको ढोकला को बनाने जाएंगे तो ऊपर जो है पीले पीले से स्पॉट आ जाते हैं, वो सोडे की वजह से आते हैं। अगर सोडा अच्छे से मिक्स होगा तो वो वाली चीज़ नहीं होगी, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और पहले से ही आपको जो है मोल्ड तैयार रखनी है जिसके अंदर आपको ढोकला रेडी करना है, तो उसको ज़रूर पहले से ही तैयार रखिएगा उसको ग्रीस करके। देखिए हमारा जी बिल्कुल फ्लफी हो गया है, अभी हमारा बैटर रेडी है। मैं आपको चमचे से दिखाता हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। अब बेसन के अंदर और दाल के अंदर इस दोनों में फ़र्क होता है ढोकला बनाने में, क्योंकि जो हम बेसन से बनाते हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा हवा भर जाती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पॉन्जी बनता है वो, लेकिन ये नहीं है कि ये स्पॉन्जी नहीं बनेगा, ये भी स्पॉन्जी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, लेकिन जो स्पॉन्जनेस उसके अंदर आती है वो वाली बात नहीं आएगी इसके अंदर, लेकिन बहुत ही अच्छा बनेगा ये हमारी गारंटी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए मैंने इसको पहले से ही स्टीमर जो है तैयार रखा है, इसको मैंने हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया। अब इसको बहुत ही केयरफुली हम इसको रखेंगे और इसको तकरीबन हमें 10 मिनट तक तो हाई फ्लेम पर पकाना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 20 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। आधा घंटा हो चुका है हमारे देखिए ढोकले को पकते हुए, अब इसको हम चेक कर लेते हैं किसी टूथपिक से या किसी स्टिक से। देखिए हमारी बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, ताकि हम इसको डीमोल्ड कर सकें आसानी से। अगर आप इसको गर्म गर्म में डीमोल्ड करेंगे तो ये आपका जो है ढोकला टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा,
इसलिए आपको इसको ठंडा करना ज़रूरी है। अब मैं इसको डीमोल्ड करने के लिए उसी के अंदर काट रहा हूँ ताकि ये इजीली हम इसको डीमोल्ड कर सकें। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा पीस काट लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से रखें छोटा या बड़ा। देखिए अब इसको मैं टोंग से निकाल लेता हूँ, बहुत ही ईजीली निकल जाएगा। अब आप ये बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारी YouTube की फैमिली का मेंबर बन सकें और हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहें और आप लोगों तक पहुंचाते रहें। अब इसका एक रह गया मेन तड़का, तड़का लगा लेते हैं। मैंने एक पैन के अंदर लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, उसके अंदर मैंने डाली है राई। राई अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाली है। इसको थोड़ा सा जो है थिरकने देंगे, थोड़ा सा चटकने देंगे। इसके अंदर मैंने डाली है हींग एक चुटकी, जी तकरीबन मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं पतली पतली काट के। इसको हमें 1 मिनट के लिए इसके साथ जो है फ्राई कर लेना है तेल में। अब जैसे ही फ्राई हो जाएगी इसमें डालेंगे 300 से 350 ml पानी। इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 3 टेबल स्पून चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको मिठास ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको हमें हाई फ्लेम पे पकाना है और एक बॉयल आने तक इसको पका लेंगे अच्छे से और इसकी जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बस ये हमारा जो है देखिए सिरप तैयार है इसका। अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको डालेंगे अपने ढोकले के ऊपर। देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर अच्छे से तड़का लगा लेते हैं और इसको ऐसे मत खाइएगा, इसको थोड़ा सा जो है ठंडा करके खाइएगा। इसके अंदर फ्रिज के अंदर रख के बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो आप इसी तरीके से बस इसको सर्व करिएगा।